तो यार वो कैसे हो, सब लोग ठीक है ना? तो देखो यार, आज हम सभी लोग एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हर कोई जानता होगा यार। मतलब इस एनिमे ने हमें बहुत हंसाया होगा और इसे लगभग सभी बच्चे जानते होंगे यार। बच्चे क्या, इसे तो बूढ़े लोग भी देखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ शिनचैन के बारे में। तो यार शिनचैन के जो रिपीटेड एपिसोड भी होते हैं उसे देखने में भी यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो अभी भी देखता हूँ यार, तुम लोगों का मुझे पता नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार जिन लोगों ने शिनचैन अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं देखा ना, मुझे पता नहीं यार तुम लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हो। तो यार क्या आप लोगों ने शिनचैन को कभी हंसते हुए या स्माइल करते हुए देखा है? हाँ ज़रूर देखा ही होगा, पर क्या कभी आप लोगों ने शिनचैन का फ्रंट फेस यानी उसका सामने का फेस देखा है हंसते हुए, वो भी हंसते हुए? फ्रंट फेस से मेरा मतलब ये है इमेजेस में देख सकते हो। तो यार क्या आप लोगों ने कभी शिनचैन का सामने का थोपड़ा या उसका सामने का फेस देखा है, वो भी हंसते हुए? तो यार मैं तुम सभी लोगों को गारंटी देता हूँ, तुम लोगों ने कभी भी शिनचैन का फ्रंट फेस नहीं देखा होगा, वो भी हंसते हुए। तो आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा, जब भी शिनचैन हंसता है हमें उसकी पीठ दिखाई जाती है। मतलब जब भी वो स्माइल या हंसता है तो हमें उसकी पीठ दिखाई जाती है और एक छोटी सी स्माइल जो उसके फेस के बगल में दिखाई जाती है। मतलब कि इमेजेस में देख लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने शिनचैन की ये वाली हंसी तो देखी ही होगी, पर आप लोगों ने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। देखा तो सब नहीं होगा, मैं इतना तो कह ही सकता हूँ, पर नोटिस पता नहीं यार किन लोगों ने किया किन लोगों ने नहीं किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर तुम इंटरनेट पर भी सर्च करोगे ना शिनचैन का फेस, तो तुम्हें शिनचैन का फ्रंट फेस नहीं मिलेगा हंसते हुए। हाँ पर तुम्हें इंटरनेट पर ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे जिसमें शिनचैन का फ्रंट फेस दिखाया है वो भी हंसते हुए, जैसा कि ये इमेज। पर यार ये सब ओरिजिनल इमेजेस नहीं है, ये सब किसी ने बनाया है, मतलब कि फैन मेड इमेजेस तुम इसे कह सकते हो, ये असली एनिमे का इमेज नहीं है। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलना यार, हमने तो इंटरनेट पर ढूंढा, हमें शिनचैन का फ्रंट फेस मिल गया वो भी हंसते हुए, वो सभी एक फैन मेड इमेजेस है, मतलब कि वो ओरिजिनल इमेजेस नहीं है। फिर यार यूट्यूब पर मुझे एक वीडियो मिला जिसका टाइटल था फर्स्ट टाइम शिनचैन लाफ। सुना तुम लोगों ने मैंने क्या कहा, फर्स्ट टाइम शिनचैन लाफ, यानी कि शिनचैन पहली बार हंसा एनिमे में। जब इस वीडियो को मैंने देखा तो शिनचैन इसमें अपना फ्रंट फेस दिखाकर हंस रहा था। तुम लोग देख सकते हो इमेजेस में, या फिर तुम इस वीडियो का टाइटल यूट्यूब पर सर्च कर वो वीडियो भी देख सकते हो। और सही बताऊँ तो मुझे शिनचैन की ये वाली हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मतलब कि इस एपिसोड में, इस एपिसोड का नाम तो मुझे नहीं पता, पर यार इस एपिसोड में शिनचैन अपना फ्रंट फेस दिखाकर हंस रहा था। मैंने शिनचैन के एनिमे में अभी तक ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं देखा जिसमें शिनचैन अपना फ्रंट फेस दिखाकर हंस रहा था। बस ये एक ऐसा एपिसोड था जो मुझे यूट्यूब पर पता नहीं कहाँ से मिल गया, तो मैंने इसे देखा और इसमें शिनचैन सही में यार अपना सामने का थोपड़ा, उसका सामने का फेस दिखाकर हंस रहा था। और यार सही में मुझे उसकी वो हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यार, एकदम अजीब लग रहा था यार, अजीब सा कुछ लग रहा था, कॉमेडी नहीं लग रहा था, बिल्कुल अलग अजीब सा लग रहा था। तो यार मुझे लगता है कि ये एक ऐसा लौटा एपिसोड है जिसमें शिनचैन हंसा होगा अपना फ्रंट फेस दिखाकर, इसलिए यार जिस किसी ने भी ये वीडियो अपलोड की होगी उसने इसका टाइटल लिखा होगा फर्स्ट टाइम शिनचैन लाफ। तो यार शिनचैन एनिमे का मेन मोटो क्या है, यही ना, जो कोई भी उसे देखे उसे हंसी आ जाए। तो यार अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हें समझ लो कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, अगर तुम्हें उसे किसी को पढ़ाना है, मतलब कि उसका एक चैप्टर तुम्हें किसी को समझाना है, तो तुम्हें वो चैप्टर अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी तुम वो सब्जेक्ट वो चैप्टर किसी और को समझा पाओगे। तो अब हम इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब अगर तुम्हें किसी और को हंसाना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद अच्छी तरीके से हंसना होगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, तुम अपने एक फ्रेंड के साथ हो और तुम अचानक से हंसने लग गए एकदम यूनिक स्टाइल में, तो पक्का जो कोई भी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा फ्रेंड, वो भी तुम्हें देखकर थोड़ा बहुत तो हंसेगा ही, क्योंकि तुम भी हंस रहे हो यार, ऐसा होता है। अगर तुम कभी कभी हंस दो अपने दोस्तों के साथ तो वो लोग भी हंसने लग जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई रीज़न नहीं होता, अगर तुम कभी कभी हंस दो तो वो लोग भी हंसने लग जाएंगे, ऐसा होता है गाइस। तो उस बिल्कुल उसी तरह यार जो शिनचैन की जो कंपनी है जो उसे एनिमेट करती है, उन लोगों ने भी सोचा होगा कि यार हम शिनचैन को एकदम यूनिक बनाएंगे, हम उसके हंसने का तरीका बिल्कुल यूनिक बनाएंगे कि जो कोई भी उसे देखे वो भी हंस दे यार। और सही बताओ यार शिनचैन की हंसी सही में बहुत ही ज़्यादा फनी है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है उसका हंसने का। और यार तुम लोग खुद बताओ, ये जो मैंने वीडियो बताया यूट्यूब पर जिसका टाइटल है फर्स्ट टाइम शिनचैन लाफ, इसमें जिस तरीके से शिनचैन हंस रहा है, क्या उस हंसी को देखकर तुम्हें थोड़ी बहुत भी हंसी आई? मैं गारंटी देता हूँ यार तुम लोगों को हंसी नहीं आई होगी। और अगर
ये जो हमारा नॉर्मल शिनचैन जो हम हर एपिसोड में जो हमारे नॉटी शिनचैन को देखते हैं उसे देखकर तो यार हमें पक्का हंसी आ ही जाती है, क्योंकि यार वो हंसता ही इतना खतरनाक है, आई यही 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 करके हंसता है भाई। सही में यार शिनचैन लेजेंड है भाई, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, मतलब उसका हंसने का तरीका कभी नहीं बदलेगा, हमारे दिल पर राज करता है यार उसकी हंसी। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। I'm a heavyweight.